ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगाकर लोकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। छापामार कार्यवाही के दौरान युवक के घर से अलग अलग कंपनी के रैपर बरामद हुए हैं। युवक ने एक फॉर्म बनाकर फ्लिपकार्ट से टाइप कर रखा है और उसी का फायदा उठाकर नकली प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को सप्लाई करता था। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को ओले कंपनी के मैनेजर गौरव श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि उनकी कंपनी का रैपर लगाकर नकली माल ग्वालियर शहर में बेचा जा रहा है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने बहुड़ापुर स्थित जेडीए कॉलोनी और ट्रांसपोर्ट नगर में छापामार कार्यवाही की और छापामार कार्यवाही के दौरान आरोपी आशुतोष मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके गोदाम और घर से कई महंगे ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और नकली प्रोडक्ट बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी आशुतोष ने बताया कि उसका फ्लिपकार्ट से टाइप है और उसी का फायदा उठाकर नकली प्रोडक्ट ऑनलाइन सप्लाई कर देता था। क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपी आशुतोष से और अधिक जानकारी उठा रही है कि अब तक उसने किन किन कंपनी के ब्रांडेड कपड़ों का उपयोग किया है और कहां का नकली माल को ठिकाने लगाया है। एक ही आरोपी पकड़ा गया है आशुतोष करके, ये ओले और लोरियल कंपनी के तमाम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं। इन लोगों का फ्लिपकार्ट से टाई अप है और ऑनलाइन ऑर्डर फ्लिपकार्ट के जरिए लोग करते हैं और उसमें ये लोग डुप्लीकेट माल, अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का डुप्लीकेट कॉस्मेटिक्स कंपनी के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। वो कंपनी के जो लैब मैनेजर हैं मिस्टर गौरव, कल परसों वो आए थे, उनके द्वारा यहाँ क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया। उनके द्वारा बताए जाने पर चीज़ की तस्दीक की गई तो पता लगा कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, तो उनकी सूचना पर उनको साथ में लेके तब इसकी कार्रवाई की गई। तो करीब 2 लाख रुपए का डुप्लीकेट माल वहाँ से मिला है। नहीं, इसमें अभी फ़िलहाल तो यही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में उसने बताया है कि दिल्ली में कहीं डुप्लीकेट मार्केट से ये लोग ले आते हैं उसको और उसके बाद यहाँ फ्लिपकार्ट के जरिए उसको सप्लाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।